इतिहास के सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। आज हम छठी कक्षा का दूसरा अध्याय आखेट खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक की यात्रा पढ़ेंगे और यह मानव इतिहास के 99% भाग को कवर करती है, क्योंकि मनुष्य ने अपना अधिकतर जीवन आखेट और खाद्य संग्राहक के रूप में ही गुजारा है और आज जो मानव अपना वक्त गुजार रहा है वह भोजन उत्पादक से आगे की यात्रा की उद्योग और अन्य तरीकों से गुजार रहा है। तो आज के पाठ की शुरुआत करते हैं तुषार की रेल यात्रा। तो यहाँ पर ये जो बच्चा है ये अपने परिवार के साथ में एक रेल में यात्रा कर रहा है और यहीं से एक सवाल उठता है कि जैसे ये जो रेलवे जिसमें आप सब यात्रा करते हो ये आज से मात्र 150 साल पहले ही ब्रिटिश काल में आई थी भारत में। जैसा कि आप सुनते हो 1853 ईस्वी में प्रथम रेल चली थी मुंबई से थाने के बीच में, तो उससे पहले और जो आप बस गाड़ियां देख रहे हो ये उससे और बाद की है, जो बसों की से यात्रा करने का जो दौर है। तो अब आप ये देखिए कि 150 वर्ष पूर्व जब ट्रेन नहीं होती थी तो क्या मनुष्य लंबी दूरी की यात्राएं करता था कि नहीं करता था, इसी सवाल के साथ हमारे आज के पाठ की शुरुआत होती है। चलिए देखते हैं कि कैसे कैसे यात्रा करता था। तो हमारे इस हेडिंग के साथ में इस आज के अध्याय की शुरुआत होती है आरंभिक मानव, यानी कि जो शुरुआत का मानव था आखिर वे इधर उधर घूमते क्यों थे। तो जो ये हमारी पृथ्वी है यहाँ पर 20 लाख साल पहले जो मनुष्य रहा करते थे आज हम उन्हें आखेटक खाद्य संग्राहक कहते हैं। आखेटक का मतलब होता है शिकार करने वाले, आखेट करने वाले। खाद्य संग्राहक का मतलब है जो फल फूल अनाज इकट्ठा करके संग्रह करने वाले। तो जो शिकार और संग्रह करके अपना भोजन बनाते थे उसे आखेट खाद्य संग्राहक मानव कहा गया। भोजन का इंतजाम करने की इसी विधि के आधार पर इस मानव का नाम आखेटक खाद्य संग्राहक मानव रखा गया। ये उस समय के मानव जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ और चिड़ियाँ पकड़ते थे और अपना पेट पालते थे। इसके अलावा वो फल फूल कंद मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठे किया करते थे, इसलिए उन्हें इन दो नामों से जाना जाता है। आखेटक का मतलब शिकारी और खाद्य संग्राहक का मतलब जो खाद्य को इकट्ठा करता है। तो इस विधि के कारण ही उसका नाम ये इतिहासकारों ने रखा। तो इस समय का जो आखेटक खाद्य संग्राहक मनुष्य था वो एक जगह से दूसरी जगह पर घूमता रहता था। अब आप भी सोच रहे होंगे कि वो घूमता क्यों था, तो इसके कई वजह थी। अलग अलग जगह पर अलग अलग वजह हो सकती है और ये सभी वजह भी हो सकती है। देखिए कि किन वजह से मानव घूमता था। पहला कारण कि जैसे ही वो एक जगह पर ज़्यादा दिनों तक रहता और उस जगह कई एक बड़ी मानव समूह बहुत से जानवरों का शिकार करता और फल फूल तोड़ लेता तो वहाँ पर भोजन की कमी हो जाती, और जैसे ही वहाँ पर जिन जानवरों का वो शिकार करता था उनकी कमी होती तो वो भोजन की तलाश में दूसरी जगह पर चला जाता। तो पहला कारण हुआ कि वो अपने भोजन की तलाश में एक जगह से दूसरी जगह चला जाया करता था। दूसरा कारण कि उस समय के मानव का जीवन था वो शिकार और जानवरों पर निर्भर करता था। वो जानवर मार करके शिकार करके खाता था, तो जानवर बहुत बार अनेक कारणों से घास और पानी की खोज में, जिन्हें हम मवेशी कहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाया करते थे। तो अगर मवेशी एक जगह से दूसरी जगह चले जाएंगे तो उनके पीछे पीछे उन पर निर्भर रहने वाले मानव को भी जाना पड़ता था। तो इस तरह से ये दूसरी वजह हुई कि मानव क्यों दूसरी जगह पर यात्रा किया करते थे। और अगला तीसरा कारण है कि जैसा कि आप देखते रहते हो कि मौसम बदलते रहते हैं और मौसम के अनुसार किसी खास मौसम में एक जगह पर बहुत सा घास फूस फल फूल होते हैं और दूसरी समय पर वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस कारण से जैसे ही मौसम बदलते उन्हें मौसम की वजह से अपने खाद्यान्न
और पशुओं की तलाश में जगह बदलनी पड़ती तो मौसम भी एक मुख्य वजह होता था। इसके अलावा पानी भी एक मुख्य वजह होता था। जीने के लिए पानी अति आवश्यक था तो एक खास मौसम में या एक खास जगह पर एक समय में हो सकता है कि पानी के दरिया भरे रहते हो और कुछ समय बाद में अगर वो सूख जाते थे तो मनुष्य को पानी की तलाश में अपनी प्यास बुझाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर यात्रा करनी पड़ती थी। तो इस प्रकार से और भी बहुत सी वजह हो सकती है जिन्हें आप अपने मस्तिष्क की मदद से खोज सकते हो कि और क्या वजह हो सकती है कि मानव उस समय में यात्रा क्यों करता था। एक मानव के मस्तिष्क की ये खास है कि मानव जिज्ञासु बहुत है और ये जिज्ञासा कि आगे वहां क्या होगा, पर्वत से पार क्या होगा, उधर सामने जंगल के पार क्या होगा, इस जिज्ञासा ने भी मानव को आगे से आगे यात्रा करवाई। जैसे शुरुआत में मानव की ये आदत थी कि वो एक जगह से दूसरी जगह जानने के लिए जा रहा था कि क्या था, यही जिज्ञासा आज भी मानव के मन में है। जब वो पूरी की पूरी पृथ्वी में घूम चुका है, हर जगह पर देख चुका है, तब उसकी जिज्ञासा अब ये होती है कि चंद्रमा पर जा करके देखें, दूसरे ग्रहों पर जा करके देखें। तो ये आगे से आगे बढ़ने की उसके मस्तिष्क की एक खास स्थिति है जो जिज्ञासा है वो उसे रुकने नहीं देती। तो बहुत सी वजह हो सकती है एक से दूसरी जगह यात्रा करने की। चलिए हमारी यात्रा को भी आगे बढ़ाते हैं। अब अगला सवाल खड़ा होता है कि जो ये आरंभिक मानव था इसकी जानकारी हमें कैसे मिलती है, कैसे पता चले कि ये क्या खाते थे, क्या करते थे। तो इसकी जानकारी हमें इनके द्वारा प्रयोग किए गए हथियारों से मिलती है, जैसे पत्थरों, लकड़ियों और हड्डियों के ये औजार बनाते थे। लेकिन खास बात यह है कि लकड़ियों के औजार आज हमें नहीं मिलते क्योंकि वो सारे के सारे बायोडिग्रेडेबल थे, इस कारण से वो सारे के सारे नष्ट हो गए। और पत्थर के औजार हमें आज भी उपलब्ध है और हड्डियों के औजार भी कुछ मात्रा में बाद की स्टेज के मिल जाते हैं। तो अब ज़्यादातर पत्थर के औजार मिलने के कारण कई इतिहासकार इन्हें पाषाण युग कहते हैं। पाषाण का अर्थ होता है पत्थर के औजारों का युग। तो पत्थर के औजार आज बचे हैं, इस कारण से इस युग को कई इतिहासकारों ने पाषाण युग का नाम दिया। तो वास्तव में जो लकड़ी के औजार थे वो ज़्यादा प्रयोग होते थे लेकिन आज नहीं मिल रहे हैं। और बहुत से इतिहासकार, आजकल जो नए इतिहासकार आए हैं, वो ये कहते हैं कि ये वास्तव में लकड़ी के औजारों का युग था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये जो औजार है ये किस काम में लाए जाते थे? फल फूल काटने के लिए, जब फल तोड़ने के लिए जाते थे। आज भी आप देखते हो कि बहुत से बच्चे हैं वो पत्थर उठा करके फल वगैरह तोड़ते हैं। हड्डियां और मांस काटने के लिए, जैसे ही मनुष्य कोई शिकार करता था तो वो हो सकता है उसके कोई मेंबर पीछे रहते हो तो वो उनके लिए या अपने लिए भोजन और मांस का एक टुकड़ा उन पत्थर के औजार या लकड़ी के औजार से काट करके अपने साथ ले जा करके, या दूसरे जानवरों के डर से वो वहाँ से मांस का एक टुकड़ा ले करके पेड़ के ऊपर जा करके या अपनी गुफा के अंदर जा करके खाता होगा। इसी तरह से पेड़ों की छाल, जानवरों की खाल उतारने के लिए भी, क्योंकि वो खाल से अपने कपड़े बुनता था जो उसे सर्दी और इस तरह से उसके शरीर का बचाव करते थी। तो जानवरों की खाल उतारने में भी ये पत्थर और अन्य हड्डियों के औजारों का प्रयोग होता था। हड्डियों और लकड़ियों के मुट्ठे यानी कि जो डंडे के आगे फिर पत्थर के औजार लगाए जाते, जिससे वो आज के जो आपने भाले देखे होंगे और जो बाण देखे होंगे वैसे बनाया जाता था। पीछे लकड़ी या हड्डी होती थी और उसके आगे पत्थर का नुकीला औजार लगाया जाता था और फिर वो हथियार के रूप में उपयोग किया जाता था। इसके अलावा लकड़ियों का उपयोग वो ईंधन के रूप में भी करता था और उन्हीं लकड़ियों से अपने रहने के लिए झोंपड़ियां और औजार बनाने में भी उपयोग करता था। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि इस वृक्ष की जड़ को वो एक पत्थर के औजार से खोद रहा है। मान लीजिए मिट्टी सख्त है तो लकड़ी या पत्थर के औजार से खुदाई आवश्यक है। ये पत्थर का औजार है तो इसके नीचे जो जड़ में जो कंद मूल निकलेंगे उसे खा करके वो अपने पेट की भूख मिटाएगा।
ये देखिए पत्थर का छोटा सा औजार है और ये मान लीजिए कि चमड़े का एक चमड़ा है, तो इससे वो अपना पत्थर के औजार से कपड़े सीने का कपड़ा सी रहा है, मतलब सिलाई कर रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और इस मानचित्र से हम जो आदि मानव था या पाषाण युग का जो मानव था या लगा लीजिए खाद्य संग्राहक मानव था, उसकी बसावट का पता चल रहा है कि वो भारत में कहां कहां पर रहता था। तो सबसे पहले हमें जो देखना है वो देखना है पूरा पाषाणिक स्थल, जो रेड कलर में जो ट्रायंगल है, त्रिभुज है, वहां पर सबसे पुराने बसे हुए मानव के पाषाण मिले हैं, मतलब पत्थर के टुकड़े मिले हैं। बाद में जाकर के यही पत्थर के औजार ज्यादा स्मूथ, ज्यादा अच्छे पॉलिश वाले बनते हैं, जिससे अनुमान लगता है कि धीरे धीरे मानव के मस्तिष्क का विकास हुआ, साथ साथ मानव के मस्तिष्क के विकास के साथ साथ उसके औजार भी ज्यादा अच्छे बनते गए। तो इस कारण से औजारों की क्वालिटी और फिनिशिंग के आधार पर अनुमान लगाया जाता है कि ये शुरुआत के औजार थे और जिनकी फिनिशिंग बड़ी वो बाद के औजार थे। तो यहाँ पर ये देखिए भीमबेटका नामक जगह आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। ये भीमबेटका आज के मध्य प्रदेश में नर्मदा नदी के आसपास विंध्य की पहाड़ियों में है। यहाँ पर बहुत सी गुफाएं हैं और इन गुफाओं में आरंभिक मानव रहता था, क्योंकि इनके अंदर उसे रहने से शिकारी जो जानवर होते थे, शेर वगैरह या बाघ चित्ता जो भी होते थे, उनसे उसका बचाव होता था, सर्दी गर्मी से बचाव होता था। जैसे ही वो अपने अनाज को बटोरता गुफा में आकर के रहने लगता। इसके अलावा दक्षिण भारत में देखिए आप, ये कुरनूल की गुफाएं हैं और यहाँ पर हुसंगी है, ये कर्नाटक में हुआ। तो इन तीन ये महत्वपूर्ण जगह है जहां पर आरंभिक मानव था। इसके अलावा ये आरंभिक मानव जब ये लगा लीजिए कि तब जब फ्री टाइम होता था तब क्या करता होगा। ये देखिए ये वो गुफा है भीमबेटका की, इन गुफाओं के अंदर मानव रहता था। तो स्वाभाविक है, आप भी सोचिए कि जब आप फ्री होते हो तो अपनी हॉबी के अनुसार कुछ ना कुछ काम करते हो। जैसे बच्चे जब फ्री होते हैं, आजकल लॉकडाउन जो कोरोना के वजह से लॉकडाउन चल रहा है, उस वजह से बहुत से चित्र बनाते होंगे। तो उस समय जब मानव अपना शिकार करके गुफा के अंदर ले आता था पेट भरने के बाद में, आप बताइए कि फ्री टाइम में क्या करता होगा। तो जैसे आप चित्रकारी करते हैं, उस टाइम पर भी यहाँ पर रहते हुए मानव चित्रकारी करता था। तो ये भी उस समय के मानव के द्वारा बनाया गया एक चित्र है। और इस चित्र में ये देख लीजिए, यहाँ पर एक मानव है और ये इस किसी हिरण जैसे जानवर के पीछे दौड़ रहा है। तो आप भी अनुमान लगा सकते हो कि ये क्या कर रहा होगा। जैसे कि हो सकता है ये शिकार के लिए दौड़ रहा हो सकता है ये पकड़ने के लिए दौड़ रहा हो। तो इस तरह से उस समय पर मानव जो कुछ करता था उन्हीं चीजों को उसने अपनी गुफाओं में उकेर दिया, चित्रकारी कर दी। जो भी उसके पास कोई कोयला था, जैसे जलने के बाद में जो बसता था, या आसपास की पहाड़ी के आसपास जो भी उसे रंग मिलते थे, तो जो भी पूरे के पूरे समूह में जो चित्रकारी में ज्यादा इंटरेस्ट लेने वाला होता था वो इस तरह से उकेरने लगा। तो ये शुरुआती जो चित्रकारी है मानव की भारत में, वो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो ये था भीमबेटका, हुसंगी, कुरनूल, ये थे शुरुआत के। और बाद के समय में जाकर के जो यहाँ पर आप देख रहे हो, इसे आप वर्ग कह सकते हो, ब्लू कलर में जो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये सारे के सारे वो स्थल है हल्लूर, पेयमपल्ली और चिरांद, बुरजहोम, मेहरगढ़। जैसे ही हम अपने पाठ में आगे बढ़ते हैं इन सब की चर्चा करेंगे। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आग की खोज। उस समय के मानव के लिए आग की खोज एक बहुत बड़ी खोज थी, जिसने उसके जीवन में परिवर्तन ला दिए, बहुत से परिवर्तन। आग जलाना जैसे ही वो सीखता है तो आग का इस्तेमाल कई कार्यों के लिए करना लगता है। जैसे रात के अंधेरे को भगाने के लिए वो प्रकाश कर सकता है। आज भी आप जब कहीं ऐसी जगह पर होते हो जहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती, तो आप इसी तरह से आग जला करके रोशनी
करते हो, मांस को भून करके खाने लगा। इस मांस को भून करके खाने लगने की वजह से उसके जीवन में बहुत से परिवर्तन आए। पहला कि अब मांस स्वाद हो गया था, उसका स्वाद बढ़ चला था भूनने के बाद में। दूसरा प्रभाव क्या आया कि मांस को पकाने की वजह से जो बैक्टीरिया और बीमारियां आती थी वो आनी कम हो गई। इसके अलावा मांस को पकाने की वजह से एक बड़ा परिवर्तन ये हुआ कि अब मानव के पाचन तंत्र में भोजन और मांस को पचाना बिल्कुल आसान हो गया, और इस वजह से जो रक्त का प्रवाह जो पाचन तंत्र की ओर होता था अब मस्तिष्क की ओर हो चला था। इस वजह से मानव के मस्तिष्क ने ज़्यादा तेजी से और ज़्यादा विकास किया, ज़्यादा तेजी से काम करना शुरू किया, और मानव के मस्तिष्क को रक्त का प्रवाह ज़्यादा मिला। इस कारण से उसके आकार और उसकी क्षमता में वृद्धि हुई, और इसी तरह उसने अनाज को भूनने के लिए भी इनका प्रयोग किया। खतरनाक जानवरों से दूर रखने के लिए वो अपनी झोंपड़ी या अपनी गुफा के बाहर आग जलाने लगा, और आप सभी को पता है कि आग से सभी जानवर जो जंगली जानवर होते हैं वो डरते हैं और दूर भाग जाते हैं। आप सब ने मोगली की कहानी सुनी होगी, जंगल बुक वाली, उसमें जो पूरी की पूरी कहानी है वो रक्त फूल के आसपास है, और रक्त फूल और कुछ भी नहीं है, रक्त फूल आग है। तो आग के रूप में मानव को ऐसा हथियार मिला जिसकी वजह से अब वो सभी जानवरों से अपनी सुरक्षा कर सकता था। तो जो ये आग है ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। तो इसी कारण से हमारे धर्म में, बहुत से धर्मों में विश्व के आग को एक पवित्र देवता के रूप में माना जाता है। तो हम सभी अग्नि देवता के ऋणी हैं, तो आप इसे देवता कहिए या इसे मानव के लिए एक वरदान कहिए। इसी अग्नि की मदद लेकर के मानव ने बहुत से जंगल साफ किए, और बाद में जाकर के वहाँ पर मानव ने कृषि करनी शुरू कर दी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नाम और तिथियां, जो शुरुआत का मानव है उसके जो नाम रखे गए वो क्या रखे गए, क्या क्या रखे गए, उसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं कि शुरुआत की सभ्यता को जो पुरातत्वविद है, पुरातत्वविद वो होते हैं जो प्राचीन समय की वस्तुओं की खोज करते हैं, खुदाई करते हैं, उनके अर्थ निकालते हैं। तो आरंभिक मानव को वे पूरा पाषाण काल का मानव कहते हैं। पूरा पाषाण में पूरा का अर्थ होता है प्राचीन, और पाषाण का अर्थ होता है पत्थर। इंग्लिश के विद्यार्थियों के लिए बता दिया जाए कि पूरा पाषाण को पेलियोलिथिक एज कहा जाता है, तो लेटिन जो रोम के आसपास की भाषा थी उसमें पेलियो का अर्थ होता है प्राचीन, और लिथिक का मतलब होता है पत्थर। तो इस तरह से पूरा पाषाण का अर्थ हुआ प्राचीन पाषाण युग, यानी कि पाषाण के जो वो औजार प्रयोग करते थे उसी के नाम पर इसका नाम पड़ा। तो जो पूरा पाषाण काल है वो 20 लाख आज से 20 लाख साल पहले से आज से 12,000 साल पहले तक माना जाता है। तो अब आपको ये सोचना चाहिए कि 12,000 साल पहले ऐसा क्या घटित हुआ कि मानव में इतना बड़ा परिवर्तन आया कि अब वो पूरा पाषाण काल से मध्य पाषाण काल में आ गया, यानी कि उसकी जीवनचर्या में, उसके औजारों में, उसके शरीर में ऐसे क्या परिवर्तन आए कि इस वजह से इतना बड़ा परिवर्तन आया। तो ये वजह थी पर्यावरण में होने वाले बदलाव, मौसम में होने वाले बदलाव। तो चलिए उन्हीं पर चर्चा करते हैं कि पूरा पाषाण से कैसे मानव मध्य पाषाण और नव पाषाण में आया। तो इसी समय एक खास घटना घटती है जो यहाँ पर देख रहे हो आप, कि बहुत सी समुद्र के बीच में आपको बर्फ दिखाई दे रही है, जो आइस एज कहते हैं, जिसे हिम युग या बर्फ का युग कहते हैं, वो समाप्त हो चला था इस 12,000 साल पहले, और उससे पहले के काल में धरती पर बहुत ज्यादा मात्रा में बर्फ होती थी और धरती ढकी रहती थी बर्फ से। लेकिन 12,000 साल पहले मौसम और जलवायु में ऐसे परिवर्तन आए जिस वजह से ये बर्फ पिघलने लगी। अब आप सभी समझदार हो कि जब मैदानों के ऊपर की बर्फ पिघलने लगती है तो क्या होता है। जब मैदानों के ऊपर की बर्फ पिघलने लगती है तो वहां उन मैदानों पर घास उगने लगती है, और जैसे ही घास उगती है
तो जो घास खाने वाले पशु है उनकी आबादी बढ़ने लगती है। तो इस तरह से मानव के कई फायदे हुए कि अब उसके लिए जैसे इन जानवरों को घास के मैदान के रूप में भोजन ज़्यादा मिला, मानव को इन पशु के रूप में भोजन मिलने लगा। तो चलिए इसी के ओर चर्चा आगे बढ़ाते हैं और सॉरी। तो इस तरह से पर्यावरण बदलाव के बाद में जो पर्यावरण बदल रहा था, इस दौरान का जो बीच का काल था, आज के पर्यावरण और प्राचीन जो आइस एज का पर्यावरण था उनके बीच का जो काल था उसे हमने मध्य पाषाण या मेसोलिथिक एज कहा, क्योंकि ये जो पर्यावरण के बदलाव का युग था, बीच का युग था, पर्यावरण में मध्य का युग था। तो इस वजह से अब कई तरह के परिवर्तन आए कि अब समुद्र ऊपर उठने लगे, मैदान साफ होने लगे और उन मैदानों में घास उगने लगी, उन घास को खाने के लिए जानवर आने लगे, उन जानवरों को खाने के लिए अब मानव तैयार था। तो इस तरह से मानव को अब गर्म जलवायु जिसकी जरूरत थी वो गर्म जलवायु मिली और मानव में भी कई तरह के परिवर्तन आए। पहले मानव जो शीत ऋतु में रहता था उसके बल लंबे लंबे बाल होते थे शरीर पर, आज आप देख रहे हो धीरे धीरे मानव के बाल भी लुप्त होते जा रहे हैं या कम होते जा रहे हैं। तो हम में भी लगातार परिवर्तन आ रहा है। और जब ये मध्य पाषाण काल आया था अर्थात ये परिवर्तन वाला दौर, तब मानव के जो पाषाण वाले औजार थे वे छोटे छोटे बन गए थे। पहले जो बड़े होते थे, छोटे बनने के कारण इनको माइक्रोलिथ कहा गया अर्थात लघु पाषाण कहा गया। और इन लघु पाषाणों को लकड़ियों के आगे लगा करके आरी और हंसिया जिसे आप द्राती कहते हो उस तरह से औजार बनाने में प्रयोग होने लगा। तो ये जो मध्य का काल था 12,000 से 10,000 वर्ष पूर्व का, ये बदलते बदलते फिर 10,000 साल पहले आते आते ये नव पाषाण आ गया था। नव पाषाण का मतलब अब जो पाषाण के औजार है अर्थात जो पत्थर के औजार है वो बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी के आ चुके थे, उनको ज़्यादा अच्छे से पॉलिश की गई थी। पॉलिश का मतलब ये कतई नहीं है कि उन्हें सुंदर बनाने के लिए पॉलिश होती थी, बल्कि उन्हें आगे से नुकीला करने के लिए बार बार रगड़ा जाता था और रगड़ने के बाद में उनकी धार तेज हो जाती थी जिससे वो ज़्यादा गहरे से चोट या फसल काटने के काम आ सकते थे। तो इस तरह से बदलती जलवायु ने सब कुछ बदल दिया। तो यहाँ पर हमने डिस्कस किया कि 12,000 साल पहले कैसे जलवायु बदली, जलवायु बदलने से घास के मैदान हुए, घास के मैदान से जो घास चरने वाले जानवर थे वो आगे और इन्हीं जानवरों को खा करके फिर मानव और आगे बढ़ा, इन जानवरों को पकड़ करके फिर पालने लगा। इन सभी बातों की हम आगे चर्चा करेंगे। और जब मानव इन घास खाने वाले जानवरों की आदतों को देख रहा था, क्योंकि वो समझदारी उसकी बढ़ चली थी, वो देख रहा था कि ये कैसे प्रजनन करते हैं, इन्हीं सब बातों की हम चर्चा अपने सेकंड पार्ट में करेंगे। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ का हिस्सा अवश्य समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत। लगातार वीडियो प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब बटन अवश्य दबाइए। थैंक यू।